हाँ गर्म होने दिन भैया बंद करेगा क्या कानून नहीं है क्या तरीका आपका बोलने का ये कैसे बोल रहे हैं आप आप कैसे बोल रहे फिर ये क्या तरीका आपका मैंने नहीं पता क्या आपने कैसे बोल रहे हैं आप कैसे बोल रहे हो सर मैं पिछड़िए सर ये तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही लोग बोलते हैं वो आएंगे ना वो आएंगे आपसे अवश्य मिलवाएंगे सर डेढ़ घंटा हो गया सर हमारे लिए मतलब कोई भी बनवा रहे आप अधिकारी जो के बच्चे हमसे पढ़ते हैं आपने हमारा सहयोग करना चाहिए एसपीडी को सर मैसेज दे रहे हैं मैसेज दे रहे हैं हम बैठे हैं सर शांति से मैसेज दे रहे हैं आपके लिए आपका सहयोग ना पूरा पूरा करेंगे तो आपकी ड्यूटी बनती है हम उसको मानने की बात नहीं इंस्पेक्टर की यही पुकार चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो आबाद हो नमस्कार मेरा नाम रजत भट्ट मैं वर्क एजुकेशन सेक्टर का प्रेसिडेंट हूं हम लोग 4.5 महीने से यहां धरने पर बैठे हैं इसके चलते हम लोगों ने एक आमरण अनशन भी किया था उसमें श्री राजेश कुल्लर जी ने हमारा अनशन खुलवाया और हमें आश्वासन दिया कि आपका कार्य जरूर होगा आपकी जो जायज मांग है उसके बाद क्या हुआ किसी कारण से ईसी की मीटिंग में फैल जाती है और ये कह दिया जाता है कि अब किसी को बायलॉज नहीं दिया जाएगा जबकि वहाँ पर हमको जो भी हमको रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी तरफ से उसने ये बात स्पष्ट नहीं करी कि हम लोग विभाग में पिछले 9 साल से लगे हुए हैं और केवल 10,000 रुपये मानदेय पे लगे हुए हैं इस विभाग ने हमारा 10,000 रुपये में यूज़ किया 10 साल लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको कुछ भी नहीं दिया लेकिन आउटसोर्सिंग के तहत जो लोग लगते हैं उनकी सैलरी बैच 32,500 रुपये है और हम तो डायरेक्ट एक कर्मचारी लगे हुए हैं और एक जीसी की मीटिंग में एक हरियाणा सरकार की तरफ से प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी इस विभाग के अंतर्गत डायरेक्ट रूप से लगता है वोकेशनल टीचर और आउटसोर्सिंग को छोड़कर उनको ग्रेड पे दिया जाएगा जो कि हमारा ग्रेड पे बनता है जेपीटी वाला ग्रेड पे लेकिन हमारी फाइल अभी तक वो चली रही है बस विभाग के तो अभी क्या स्टेटस है फाइल का और आज की क्या कार्रवाई रहेगी मतलब अभी क्या करोगे आप नेक्स्ट जी अभी तो आपको उठाने के लिए भी बोला जा रहा है प्रशासन की तरफ से जी हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से 4.5 महीने से यहाँ पर आ रहे थे आज भी हमने शांतिपूर्वक तरीके से आए हमने रोड भी खाली रखा हम सिर्फ गेट के एक साइड में बैठे हुए हैं लेकिन हमें प्रशासन द्वारा आप देख सकते हैं कि हमारे लोगों से ज़्यादा ये पुलिस खड़ी है यहाँ पर चारों तरफ और हमें इवन कि हम 1.5-2 घंटा हो गया हम बात करना चाह रहे हैं हमारी एक मैडम आप देख सकते हैं प्लीज़ आप दिखाइए सर कि उनकी हालत क्या है कल ये हॉस्पिटल में थी लेकिन तब कोई प्रशासन नहीं आया लेकिन आज देखिए आज हम अपनी मांग करने के लिए आए तो सारा का सारा जमावड़ा यहाँ पर खड़ा है कि इनको किसी तरीके से रोक दिया जाए इनके हक कुचल दिए जाएँ क्या हमने इसीलिए सेवा करी थी सरकार की या बच्चों की परवरिश हमने इसलिए करी थी कि हमारी माताएं बहनें सड़कें पर आ जाएं मैं अपनी मैडम से कहूँगा ये हमारी उप प्रधान है संस्था की ये कुछ आपसे कहेंगे जी नमस्कार जी जी क्या कहना चाहेंगे मैम आप कहने को तो अभी पीड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं है किसी भी तरफ से देख लीजिए आप विभाग की तरफ से देख लीजिए प्रशासन की तरफ से देख लीजिए और अभी आज मैंने बल्कि उत्तेजना के साथ बात कर रहे थे यहाँ पे एक ऑफिसर आए थे इनके पुलिस अधिकारी तो उत्तेजना के साथ बात कर रहे थे वो काफ़ी धमकी दे रहे थे हमें उठ जाइए यहाँ से उठ जाइए मैंने केवल हाथ जोड़ के उनसे ये कहा कि सर हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं यहाँ पे तो वो कहते हैं आगे आ रही थी मेरे अंदर आ रही भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी के अंदर भी कोई किसी के अंदर समा जाए ठीक है पढ़े लिखे लोग हम टीचर समाज का निर्माण करना हमारा काम होता है ना कि हमारा काम कोई उलझलूल कुछ कोई एक नियम तोड़ा पूछो उनसे कोई क्या हमने कोई गदर किया हो हल्ला किया जी। हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ आए हैं अपनी बात करने के लिए लेकिन उसके बावजूद भी उठो यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर केवल उन्हीं ने पढ़ा है लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं को आदेश मिलते हैं हम इतने वेल एजुकेटेड हैं सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर सारे जानते हैं अच्छे से जानते हैं उसके बावजूद भी अगर एक टीचर का बाहर आप विदेशों में चले जाए कहीं पे भी इतना मान सम्मान इतना सीएम का पीएम का नहीं होता राष्ट्रपति तक का भी नहीं होता जितना टीचर का सम्मान होता है और हमारे यहाँ टीचर की जितनी दुर्गति कर रखी है एक तो विभाग ने कर दिया कि 13,000 रुपए में रुलने को छोड़ दिया 10 साल हमने दिए उसको और 10 साल में ये रिजल्ट दिया
इतनी अच्छी फाइल बन के किस लेवल तक जाती है और विभाग की तरफ से वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब शर्म आनी चाहिए